हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इस सीरीज़ में हम जो पढ़ेंगे हर दिन पढ़ेंगे, शानदार क्वेश्चन विद रेशनल आपको डील। सबसे पहला है, बताइएगा द टाइप ऑफ फाउंड इन द विसरल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल। विसरल ऑर्गन के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर जो सेल्स या टिश्यू या जो मसल्स पाई जाती है उसका नाम सेंट्री मसल, कार्डियक होंगी, बायोकार्डियम होगी। सबसे पहला जवाब आपका क्या होगा? सबसे पहला जवाब ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये विसरल ऑर्गन क्या होते हैं। विसरल ऑर्गन बेटा उन्हें कहा जाता है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल ऑर्गन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, क्या बोल सकते हैं। और आपने पढ़ा कि हमारी बॉडी में तीन प्रकार की पाई जाती है, कितनी, कौन कौन है? आपका जवाब होगा फर्स्ट इज स्केलेटल, जहाँ पर हमारा कंट्रोल, सेकेंड इज स्मूथ, जहाँ पर हमारा कंट्रोल होता है, थर्ड इज कार्डियक, जहाँ पर भी कंट्रोल। कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है? केवल केवल हार्ट में पाई जाती है। मसल्स हमारे जितने ऑर्गन हैं जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं है वहाँ पाई जाती है, और स्केलेटल मसल जहाँ जहाँ हमारा कंट्रोल है वहाँ पाई जाती है। स्केलेटल ऑर्गन मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है, गारंटी तो हम कह सकते हैं हमारा कंट्रोल। कार्डियक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हार्ट की, मायोकार्डियम हार्ट की लेयर होती है। हार्ट में कितनी लेयर देखने को मिलती है आपको? लेयर देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एक बात समझ में आ रही है? अगली बात सुनो, नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा कि हमारी ब्लड वेसल्स विसरल ऑर्गन में पाई जाने वाली मसल्स, दैट इज नॉन मसल्स कहलाएंगी। और इनवॉलेंट्री मसल्स का दूसरा क्या कह सकता हूँ? जवाब आएगा दैट इज सर जी। अगर आपको ये समझ आया, रेशनल समझ आया, तो आप अपने करें और हर दिन वह 7 बजे आपको वाला है, तैयार रहें हर सुबह, ठीक है, द वेरी बेस्ट।